सो हेलो गेमर्स, स्वागत है यार आप सभी भाइयों का आप ही के सपोर्ट से बना हुआ छोटा सा यूट्यूब चैनल फियरलेस गेमिंग पे। तो यार आज हम ले आए हैं सीरीज का एपिसोड नंबर 2। हाँ दोस्तों, GTA 5 Part 2। आज हमें फ्रैंकलिन और लैमर है, इन दोनों को ये एक रेड कलर की ये जो कार है बहुत ही ओपी लुक जिसका आ रहा है। ये देखो, इसने ऊपर से इसको खोल दिया, भाई गजब इसका लुक आ रहा है। मतलब इन दोनों को ये चोरी करके ये प्रीमियम डीलक्स मोटर्स पे दोनों इसको बेच के आने वाले हैं, जिससे लोग मनी मेक करेंगे। तो दोस्तों करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। देखो हमें लिखा हुआ आ गया फॉलो लैमर, मतलब लैमर नाम का जो बंदा है उसे फॉलो करना है। हमें फ्रैंकलिन का कैरेक्टर मिल गया है अभी इस गेम में। इससे पहले वो वाला जो वीडियो था उसमें माइकल का रोल कर रहे थे। यही तो GTA 5 की स्पेशल बात है, इसमें कैरेक्टर्स फटाफट मतलब चेंज होते रहते हैं। तो ये देखो भाई, ड्राइविंग मेरी देखो, अब तुम देखो ऐसे ऐसे, ये देखो कट्स निकालूंगा ऐसे के ऐसे, इधर उधर ही देखो भाई। तुम्हारे भाई की ना ड्राइविंग थोड़ी कम नहीं है भाई। अब क्या बताया, हम भी सब NFL GTA Vice City San Andreas वाले बंदे रह चुके हैं, खूब चला लिया हमने भी ड्राइविंग इधर उधर। असली कार तो आज तक स्टेयरिंग भी नहीं पकड़ी है, लेकिन हाँ गेम में WASD सारे दबा रखे हमारे, वही बात ना। ये लोग भाई मतलब लगातार अपनी गाड़ी इधर से उधर भगा रखे हैं। भाई ये देखो यार, तुम इस गेम की ग्राफिक्स देखो, रोड देखो, मतलब इतनी प्यारी रोड है, ऊपर से इतनी सही है गाड़ी है ऊपर से। अरे दादू कहाँ डालेगा अपनी गाड़ी भाई, आराम से नहीं चला ले? मतलब अभी तो यार बढ़िया वाली टक्कर हो जाती है, लेकिन बच गए बाल बाल। ये देखो अन शन दौड़ा रहा है, मतलब हम लोग अभी इस गाड़ी को फुल स्पीड में ले जा रहे हैं। ये देखो टर्न्स देखो तुम, ये देखो क्या क्या, मतलब देखते रह जाओगे, इतनी सब चीज़ें हैं ना देखने के लिए, क्या बताऊँ अब। ये भाई मत आ बीच में, क्यों स्वर्ग सुधारना चाहता है तू? ये देखो फ्रैंकलिन ऐसे गाड़ी सही चला लेता, नहीं लैमर भी काफ़ी अच्छी इधर से उधर निकाल रहा है, अब तक गाड़ी को खरोच भी नहीं आने दी दोनों ने, अच्छा है वैसे। ये थोड़े टर्न्स एंड ट्विस्ट से चला रहे दोनों के दोनों, मतलब एक प्लेन रोड पर नहीं भगा रहे, इधर से उधर लेके जा रहे हैं गाड़ी को। ओहो मुझे तो लग रहा था इस टैंकर के नीचे से चलना है, लेकिन नहीं ऐसा कुछ नहीं था, हम साइड से अभी आराम से चलाएंगे। फालतू गाड़ी के स्क्रैच को ना यार, फालतू फिर मेंटेनेंस का और खर्चा आएगा प्रीमियम डीलक्स मोटर्स पे, इसलिए। ओ ये देखो अरे अरे भाई भाई आराम से अरे यार इतना बचाने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी एक क्रैक या तो गाड़ी पे आ गया होगा या फिर गवर्नमेंट का खर्चा तो पड़ गया ब्रिज को वापस सही करवाने का, उन्हें भी वापस बिरला वाइट पुट्टी लगानी पड़ेगी इधर। मतलब ऐसा ही है ना, मतलब गजब ही मज़ा आ रहा है यार, क्योंकि ग्राफिक्स अच्छी है और ऊपर से इस गाड़ी की कंट्रोलिंग बहुत ही सही है। ब्रेक में अगर लगा रहा हूँ तो बहुत अच्छे से लग रहा है, मतलब ऐसी बात नहीं है। तो अब हम बहुत नज़दीक पहुँच गए हैं PDS के, मतलब प्रीमियम डीलक्स मोटर्स के। जल्दी से हम उधर पहुँचते हैं, इस गाड़ी को बेचते हैं और मिशन को करते हैं पूरा। यार ये देखो इधर बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रखा है, मैं हेडलाइट ऑन करता तब तक तो ये अंधेरा ख़त्म हो चुका था, इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। और ये कोई पार्किंग एरिया, यहाँ से भी अब हमने गाड़ी निकाल ली, रोड पे वापस ले आए। अरे अरे सॉरी यार थोड़ा टर्न हो गया, कोई नहीं इधर से ले लूँगा मैं। अरे यार फिर से मैंने गलत डाल दिया ऐसा मुझे लगता है शायद तक, लेकिन कोई बात नहीं, इधर ही इस गैराज से निकाल देता हूँ। ये एक और गैराज, कितने गैराज है भाई यहाँ पे, कितने लोगों के पास इतनी सारी गाड़ियाँ इतने सारे गैराज बना रखे हैं। और अब हम लोग यहाँ पे, अब ये लोग दोनों कोई बात कर रहे हैं कि भाई थोड़ा धीरे चला लिया कर, तो कहा नहीं मेरी गाड़ी मेरी मर्जी, कितनी भी तेज़ भगाऊंगा। ये लोग मतलब ऐसे ही कुछ बात कर रहे हैं एक दूसरे से। ओहो और इन्हें बात करने देते, यार गाड़ी का लुक देखो भाई, मतलब दोनों का ही इतना सही लुक है ना, शायद तक पुलिस हमारे पीछे पड़ गई है। मतलब एक इस गेम के मैं आपको बात बताता हूँ, एक भी आपको मिशन ऐसा नहीं मिलेगा, एक भी पार्ट ऐसा जिसमें पुलिस बीच में घुसे ना करे, ऐसा हो सकता है GTA 5 और पुलिस बीच में आए? पिछले एपिसोड में भी आ गई थी, इस एपिसोड में भी आ गई है, इन्हें पता ही हमसे टक्कर तो जीत तो पाएंगे नहीं, लेकिन पंगे पक्का लेंगे, इनके पता नहीं क्या ही चोच लें अकेले ही। लेकिन कोई बात नहीं, अब पड़ चुके हैं तो इनसे पीछे छुड़ाते हैं, चलते हैं कहीं पर ठहरते हैं। मैं तो सोच रहा हूँ यहीं कहीं रुक जाते हैं और पुलिस से पीछे छुड़ा लेते हैं। ये पुलिस यार बहुत टाइम पास बहुत बकवास करते हैं, छोड़ो यहीं रोकता हूँ मैं गाड़ी को और पुलिस से पीछे छुड़ाते हैं। बहुत मैं थक चुका हूँ पता है, पुलिस से बार बार आ जाते हैं, मतलब हर मिशन में आ जाते हैं, जितनी बार मैं इस गेम को खेलता हूँ पुलिस पीछे पड़ जाती है बार बार। अरे दादा धीरे चला ले आराम से, क्यों ठुकवा रहा गाड़ी मेरी? सब लोग ना मतलब गाड़ी ठुकवाने के चक्कर में बैठे हैं, पिछली बार वो आ गया बीच में, इस बार ये चलते हैं इधर, मैं हेडलाइट ऑन कर लेता हूँ जरा, सही रहेगा मेरे को, बहुत ही मतलब ढंग से दिख भी नहीं रहा यहाँ पे। ओहो यहाँ पे रोक ली गाड़ी और यहाँ पे शायद ये कुछ, ओहो
हम आगे से ऐसा कर लेते हैं ताकि पुलिस को ज़्यादा पता नहीं चलेगा कि हम है क्या यहाँ पे। तो अब हमें इस कार को फटाफट से लेके जाना है डीलरशिप पे, मतलब वहाँ पे उसको बेच के आनी है पीडीएम पे, प्रीमियम डीलक्स मोटर्स पे। इस पर मैंने हेडलाइट ऑन कर ली है और मैं अब जा रहा हूँ सीधा पीडीएम पे। पीडीएम ऐसे ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा पास में पड़ेगा, चलो कोई टेंशन नहीं है ज़्यादा इसकी। ये एलजीडीसी यहाँ पे आ गया और ये रहा, हम पहुंच गए पीडीएम प्रीमियम डीलक्स मोटर स्पोर्ट्स। यहाँ पे वैसे काफ़ी अच्छी अच्छी स्पोर्ट्स की गाड़ियाँ मिल जाती है, लेकिन भाई हम तो बेचने आए हैं ना कि खरीदने आए हैं। और चलो चल के देखते हैं यहाँ पे क्या सीन हो रहा है। ओ तो यहाँ पे ये दोनों कोई ये लड़ रहे हैं, इनके भाई गजब ही ये लोग एक दूसरे की इंसल्ट कर रहे हैं। अब ये दोनों और लड़ने लग गए, भाई तुम्हारा क्या टेंशन है, हमको हमारी गाड़ी बेचने दो और निकलने दो ना फटाफट, क्यों फालतू हमें टाइम पास में क्यों इंक्लूड कर रहे हो। ये जो ग्रीन टी शर्ट वाला है, मतलब जो डार्क ग्रे से टी शर्ट का है, और ये ब्लू टी शर्ट वाला हमारा डीलर है और उसने इसकी थोड़ी तारीफ करी तो ये खुश हो रहा है काफ़ी। उसने उसको कह दिया कि तू ये सबसे इंटरनेशनल डीलर है, बहुत ही बड़ा, तो ये बहुत खुश हो रहा है नीले टी शर्ट वाला। वो ग्रे टी शर्ट वाला लेमार है और ये जो वाइट हैट लगा रखा है ये है हमारा फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन बड़ा ही ओपी बंदा है, तो सब जानते ही हैं। अभी थोड़ी देर आपको और रुकना पड़ेगा, इनकी बकवास सुननी पड़ेगी आपको। ये एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं और इस मोटे की बेइज्जती कर रहे हैं, भाई साहब इनको क्या दिक्कत है। अब ये और ये पक चुका है फ्रैंकलिन की, भाई तुम लड़ते रहो, मेरे को मत इंक्लूड करो, जब गाड़ी बिक जाए तब पैसे भेज देना, बस मेरे को ऐसे टाइम पास नहीं चाहिए तुमसे। चलते हैं अब, और शायद तक अब हमारा तकरीबन देखे तो मिशन पूरा हो ही गया। अच्छा तो उस मोटे का नाम जिमी था शायद, नीचे जिमी लिखा हुआ था, तो उस मोटे से टेंशन फ्री होके अब चलते हैं। अच्छा लेमार भी हमारे साथ ही चलेगा, ठीक है लेमार भी आ गया, फ्रैंकलिन भी आ गया, अब आगे क्या चलना है। अच्छा तो नीचे लिखा हुआ आ गया फ्रैंकलिन के घर पे जाना है, इसको छोड़ना है अब, तो चलते हैं फ्रैंकलिन के घर पे। वैसे यार अगर देखें तो मुझे, मैंने फ्रैंकलिन का घर देखा हुआ, मुझे इतना ज़्यादा अच्छा या फिर मतलब वो ओपी लुक टाइप्स नहीं आया, लेकिन हाँ जैसे जैसे गेम को आगे बढ़ाएंगे फ्रैंकलिन का घर पे नया लेंगे यार। और चलते हैं अभी फिलहाल तो फ्रैंकलिन के जो घर है उस पर ही, तो हमको बस ज़्यादा दूर नहीं है फ्रैंकलिन। अरे ताऊ धीरे चला ले, ज़्यादा ज़्यादा आगे नहीं है, बस हमें यहाँ से राइट टर्न लेना है और आगे से एक और राइट टर्न पे फ्रैंकलिन का घर जाएगा। मतलब यार तुम ये गलियाँ ही देख लो, तुम्हें तो ये आसपास के घर देख के पता चल गया होगा क्या स्लम एरिया में रह रहा है फ्रैंकलिन। यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको इस तरफ टर्न और गैराज में पार्क कर देते हम हमारी कार को। और ये हमने हमारी गाड़ी को कर दिया गैराज में पार्क, अब हमारा ज़्यादा कोई काम रह नहीं गया है। अब ये दोनों फिर से एक दूसरे से बकवास कर रहे हैं, एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं, तू खराब तू खराब, भाई अब तो पैसा आ जाएगा, अब और क्यों लड़ रहे हो। लेकिन नहीं पता नहीं क्या ही पंगे ले रहा है, फ्रैंकलिन का भी माथा खराब हो गया कि भाई और क्यों लड़ रहा तू भाई, ये कुछ भी बैठे बैठे लड़ लेते हैं, कोई बात हुई नहीं कोई ये ले। अब तो ये लेमार जा चुका है, शायद इसके घर जा रहा होगा ये, और फ्रैंकलिन भी बोर होके वापस, अब मतलब गाड़ी तो बेच ही दी उसने लेकिन अब आ चुका घर पे। और अच्छा ये कौन है, ये कौन टीवी कौन देख रहा है इसके घर पे। अच्छा तो ये इसकी शायद अंट है, आंटी है मतलब इसकी, ओके बेबी, मतलब किसी अपने बॉयफ्रेंड से बात करे शायद। और वो फ्रैंकलिन को डांट रही है कि भाई जब मैं किसी से बात कर रही हूँ तो यहाँ पे आकर सुनता क्या है, तो गलत बात होती है ये। तो ये है दोस्तों फ्रैंकलिन का कमरा, ये थक चुका है इतनी मेहनत करके, शायद तक बड़ी उबासे उबासे ले रहा है कि अब सोऊंगा, लेकिन पहले इसको शायद शर्ट वर्ट अंदर रखनी पड़ेगी। बहुत ही बिखरा सा कमरा है यार, लेकिन शायद फ्रैंकलिन अब जमा ले इस घर को फटाफट और मज़े करे। जूते वूते काफ़ी सही ले रखे हैं इसने। तो दोस्तों मज़ा आ गया इस मिशन को क्लियर करके, और शायद अब तक ये मिशन अब हो चुका है पास। जी हाँ फ्रैंकलिन और लैमार ये मिशन भी अब पास हो चुका है। अब दोस्तों आप फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप अभी भी बने हुए हो, एंड स्टे ट्यून्ड विद फियरलेस गेमिंग।